पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ ने आरक्षक पद पर भर्ती के लिए आवेदन की जो तिथि है उसे बढ़ा दी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति की बात करेंगे, जिसमें वो बात करते हैं डेट के एक्सटेंशन की, और इस नोटिफिकेशन या इस विज्ञप्ति के माध्यम से वो और कौन कौन सी बातें आपको कहना चाहते हैं इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड और जीरो पीरियड के इस वीडियो में इसी पर पूरी जानकारी समझते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर 492002 के हेडिंग से एक विज्ञप्ति नजर आ रही होगी। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक करके इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि इस पॉइंट्स के माध्यम से विभाग आपको कौन सी जानकारी देना चाहता है। तो सबसे पहले तो ये लिख रहा है कि पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के लिए 5967 ये नंबर आप पोस्ट है, इतने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 4 अक्टूबर 2023 को विज्ञापन जारी किया गया है। दरअसल ये विज्ञापन चुनाव से पहले जारी किया गया था 4 अक्टूबर 2023 को, तो वही विज्ञापन आपके रेफरेंस के लिए है। 4 अक्टूबर 2023 को विज्ञापन जारी किया गया। इसके तारतम्य में छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट, ये वेबसाइट की आईडी है जिस पर आप आगे अपना काम कर रहे होंगे। इस आईडी पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की आवेदन करने की तिथि दिनांक 1/1/2024 से 15/2/2024 तक निर्धारित की गई है। ये उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, जो नोटिफिकेशन जिक्र कर रहे हैं 4/10/2023 का, उसमें और उसके बाद 1/1/2024 से 15 फरवरी 2024 तक का डेट जो विज्ञप्ति है उसमें ये मेंशन है, मतलब अभी तक ये डेट 15 फरवरी 2024 निर्धारित की गई थी। अब छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग द्वारा एक पत्र का वो रेफरेंस दे रहे हैं, जो पत्र का नंबर है 248/2022 यानी 2022 रापू से - गृह 2 दिनांक 19/1/2024। तो 19 जनवरी 2024 के इस लेटर का रेफरेंस देते हैं, उसमें वो लिखते हैं इस लेटर के माध्यम से ये लिखा गया है कि जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग की भर्ती में पुरुष अभ्यर्थी के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 5 वर्ष की छूट और प्रदान की जाती है। तो ये पहले ही आपकी जानकारी में आ गया होगा, क्योंकि ये कैबिनेट की बैठक के बाद ये डिसीजन आया था। तो 5 साल की छूट का इस विज्ञप्ति में उल्लेख कर दिया गया है, मतलब ऑफिशियली आपको ये नोटिफाई किया गया है कि आपकी एज लिमिट पे 5 साल का जो एक्सटेंशन है वो दिया जा रहा है। तो पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 4 अक्टूबर 2023 को जारी विज्ञापन के तारतम्य में जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग की भर्ती में पुरुष अभ्यर्थी को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त 5 वर्ष की और छूट प्रदान की जाती है। तो ये हो गया आपका एज लिमिट का एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन। फिर दूसरा पॉइंट वो लिखते हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट है उसके बारे में इसमें दिखा है, दिनांक 15/2/2024 15 फरवरी 2024 से बढ़ा करके 6/3/2024 रात्रि 11:59 तक किया जाता है। तो जो डेट पहले 15 फरवरी थी वो डेट बढ़ गई है, वो बढ़ करके पहुंच गई है 6/3/2024 बुधवार का दिन है रात्रि 11:59 तक। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, किस तरह से करना है इसका पूरा प्रोसेस मैंने अपने एक वीडियो में समझा दिया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी अवेलेबल करा देता हूं मैं, वहां से आप देख सकते हैं। और आपको जाना है जिस वेबसाइट में, वो इस डिपार्टमेंट का ही वेबसाइट है। ध्यान रखें, इस पद के लिए परीक्षा या फिर जो भी आगे की कार्यवाही है वो डिपार्टमेंट खुद कर रही है, इसके लिए व्यापम को एजेंसी नहीं बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखें। था व्यापम के वेबसाइट पर जाकर के इसकी तलाश ना करें। आगे बढ़ते हैं, इसमें और कौन सी बात लिखी गई लास्ट पॉइंट में वो समझ लेते हैं।
पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती के 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए दिनांक 4/10/2023 को जारी विज्ञापन के अन्य प्रावधान पूर्वानुसार रहेंगे। तो मतलब ये है कि जो 4 अक्टूबर की नोटिफिकेशन है, आधार वही है। 4 अक्टूबर 2023 का जो नोटिफिकेशन है, पूरा बेस नोटिफिकेशन वही है। जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, एक एक करके उसी नोटिफिकेशन को बेस मान करके किए जा रहे हैं। तो जो आधार आपको लेना है, वो 4 अक्टूबर के नोटिफिकेशन को लेना है। जो भी चेंजेस आते जाएंगे या अभी तक जो आए हैं, वो चेंजेस उस रेफरेंस को लेकर के ही दिए जा रहे हैं। तो ध्यान रखें इस बात को, और उसमें जो शर्तें दी गई हैं उनको सबको उसी आधार पर समझते चलें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर के इसमें दो बातें रखी गई थी, एक तो डेट का एक्सटेंशन है कि 6 मार्च तक डेट बढ़ा दी गई है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि 5 साल की जो छूट का मामला था वो फाइनली एक नोटिफाइड फॉर्म में आपके सामने आ गया है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।